गुड मॉर्निंग एवरीवन, रॉयल इनफील्ड मीटियर। ओह वाओ, फुटटेक्स ढूंढने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें हल्का सा थ्रॉटल देने में मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 80 क्रॉस कर गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारे हाथ लगी थी ये रॉयल इनफील्ड मीटियर 350। हमने सोचा क्यों ना इस मोटरसाइकिल को राइड पे लिया जाए, थोड़ा सा इस मोटरसाइकिल को राइड करके इसका एक्सपीरियंस देखा जाए कैसा राइडिंग एक्सपीरियंस है। शायद मैंने गलत दिन चुन लिया, बिकॉज जिस रूट से मैं जा रहा हूँ इस पर एक सत्संग हो रहा है, जो कि राधे स्वामी का सत्संग कहा जाता है, बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। सितंबर के महीने में कुछ डेट्स रहती हैं स्पेसिफिकली, आई मीन 21, 22 और 23, ये 3 दिन बहुत ही बिजी रहते हैं। ये रूट्स इतने बिजी रहते हैं कि इनको ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। खैर कोई ना, आज मौसम बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर का महीना है, इट्स सितंबर भी ख़त्म होने वाला है, साल का तो पता ही नहीं चलता यार, वक्त कैसे गुजर जाता है, हम लोग बस वक्त को गुजरते गुजरते देखते रह जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। तो ये रही ज्ञान की बातें, वापस आते हैं आज की संडे राइड पे। वैसे तो मैं संडे राइड पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, जब मेरा मन करे, मन तो वैसे हर संडे को करता है सुबह उठ के एक राइड की जाए, थोड़ा सा इंजॉय किया जाए वेदर को, खाली रोड्स को इंजॉय किया जाए, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज पूरे वीक काम करने के बाद ऑफिस, उसके बाद के काम करने के बाद टाइम नहीं मिलता इंसान को, विच इट आई अंडरस्टैंड कि इंसान का अगर दिल हो तो टाइम निकल जाता है, बट इंसान की बॉडी एक जवाब भी दे देती है कभी कभी, इंसान थक भी जाता है। तो यही रीज़न है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम संडे राइड्स पे ना जाने का। खैर आज वैसे अपने पास नई मोटरसाइकिल थी रॉयल इनफील्ड की मीटियर 350, बूम, इसका रिव्यू वीडियो भी शायद कुछ ही दिन में आ जाएगा। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा राइड करके इसका एक्सपीरियंस लिया जाएगा कैसा बिहेव करती है ये रोड्स पे, ताकि मैं आपको एक डिटेल्ड रिव्यू के साथ वीडियो बना के दिखा सकूं। ये जो मोटरसाइकिल है ये मेरे एक दोस्त की है, जो कि उसे यूज़ नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, नई मोटरसाइकिल है, 1500 किलोमीटर से चली थी, मैं कल से इसको ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चला चुका हूँ इस मोटरसाइकिल को। मेरी जो अपनी मोटरसाइकिल है स्क्रैम 411, वो मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। अब उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली, क्या रीज़न है मेरा उसे फिलहाल के लिए रॉयल इनफील्ड के सभी सेंटर पर छोड़ने का। मैंने रिसेंटली उसमें रॉयल इनफील्ड से पेनियर रैक्स इंस्टॉल करे। अब जब पैनियर रैक्स इंस्टॉल हुए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका जो पीछे कमर गार्ड होता है उसे खोल करके पैनियर रैक्स इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उसे बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें उसे फिक्स करने को कहा, कमर गार्ड को टाइट करने को कहा, तो उन्होंने टाइट करते करते उसके अंदर उसके बोल्ट छोड़ दिए। अब ना हो टाइट हुआ और ना ही बोल्ट निकल रहे हैं, तो फिर वो मुझे मोटरसाइकिल उनके सर्विस सेंटर पे छोड़नी पड़ी कि भैया इसको फिक्स करके दो, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है मोटरसाइकिल में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपको अपनी मोटरसाइकिल से बहुत प्यार हो, बहुत अजीज़ हो कोई चीज़ आपको, तो आपको हमेशा परफेक्ट ही चाहिए होती है, आप चाहते हैं कि उसका ध्यान रखें, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें, और व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल्स मुझे तो बहुत अजीज़ है भाई। मीटियोर का इम्तिहान, वाटर क्रॉसिंग, ओ शिट, पैर नहीं टेकने, आई डोंट नो, ये रूट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज हमेशा ठीक ठाक रहता है, इस पर इतना पानी क्यों आ रहा है, बारिश भी नहीं हुई है रात में। हाँ तो जो चीज़ आपको बहुत अजीज़ होती है उसी के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती रहती है, कहते हैं कि ना अल्लाह आपको उसी चीज़ पे आजमाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने भी फ़िलहाल उसे
सर्विस सेंटर छोड़ा हुआ है, होपफुली आज शाम तक वो फिक्स हो जानी चाहिए, तो शाम को बाइक पिक कर लेंगे हम। सिंस ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू थोड़ा सा ख़राब रास्ते, ऑफ रोडिंग वगैरह वाला सीन। मैं इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा समझने में मुझे टाइम लग गया, समझने में इन द सेंस कि फुटपैक्स को लेके, क्योंकि मेरी जो स्क्रैम 411 है उसके फुटपैक्स इस पोजीशन पे हैं कि आप बैठ के उसके फुटपैक्स की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है इसके मुकाबले में। तो उस मोटरसाइकिल पे कुछ चलाते चलाते अगर थोड़ा सा ऑफ रोड का रास्ता आ जाता है या फिर कोई ऐसा स्पीड बम्प आ जाता है जो कि जिसमें आप स्पीड कम नहीं कर सकते या फिर आप स्पीड में हैं तो अचानक से आ गया, तो हम आप खड़े होकर एकदम उसे कंट्रोल कर सकते हो मोटरसाइकिल को, और वो इजीली बिहेव भी करती है सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ऑफ कोर्स। तो उन चीज़ों का इस मोटरसाइकिल में ध्यान रखना पड़ रहा है बिकॉज आप इसको किसी भी गड्ढे में या फिर ऐसे स्पीड बम्प पे उछाल नहीं सकते, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो क्रूज़र मोटरसाइकिल्स एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि इन मोटरसाइकिल्स को थोड़ा प्यार से ध्यान से चलाया जाए और थोड़ा कंट्रोल किया जाए। पावरफुल मशीन है ये भी, अपने पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ओवरटेक करना है तो बस थ्रॉटल खींचो, मोटरसाइकिल निकल जाती है। जैसे कि ये शायद अगर मैं अपनी स्क्रैम राइड कर रहा होता अभी तो शायद इन स्पीड ब्रेकर्स पे मैं खड़े होकर कंट्रोल कर देता, लेकिन इसकी फुटपिक्स की पोजीशन जो है वो आगे है तो आप खड़े नहीं हो सकते इस मोटरसाइकिल पर। होंडा हाइनेस, दिस मोटरसाइकिल इज़ ब्यूटीफुल। ओह वाओ, आई मीन पिछले कुछ किलोमीटर से इस मोटरसाइकिल को हाईवे पर राइड कर रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मी जो एक्सपीरियंस है, जो पावर जो मोटरसाइकिल अभी फील करा रही है, जो एनर्जी इस मोटरसाइकिल की है बहुत अमेजिंग है। आगे कर रही है वो चीज़ें सही हो जाएं ताकि हमारा ये ट्रिप जो मैंने प्लान किया हुआ है वो सक्सेसफुल हो जाए। मेरे साथ एक उस ट्रिप में एक
राइडर और रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी लेट्स होप कि सक्सेसफुल हो जाए ट्रिप, बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है। वेल, ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, और राइड योर मोटरसाइकिल बट राइड सेफ, बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।